नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायसेन कलेक्ट्रेट में सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनकी छात्रवृत्ति नहीं आने की समस्या को लेकर एडीएम अभिषेक दुबे को एक ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा सभी छात्र छात्राओं का एडमिशन 2021 में की थी, लेकिन कॉलेज द्वारा छात्र छात्राओं का 2021-22 और 22-23 का छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भरा गया, जबकि हम सभी विद्यार्थियों का एडमिशन छात्रवृत्ति पर किया गया था, लेकिन कॉलेज की लापरवाही के कारण छात्रवृत्ति का फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया, जिसके कारण हम सभी छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हम सभी छात्र 11 जनवरी से प्रारंभ होने वाली परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कॉलेज द्वारा हम छात्र छात्राओं पर दबाव डाला जा रहा है। अगर आपने छात्रवृत्ति और बकाया कॉलेज की राशि जमा नहीं की तो आप सभी छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिए जाएंगे, जिससे आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। एडीएम अभिषेक दुबे द्वारा छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया गया है कि उनकी इस समस्या का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हम लोगों का है, हमारा 11 जनवरी से एग्ज़ाम है और हम लोग है ना BMLT 2021-22 के स्टूडेंट है। 2021-22 से अभी तक हमारी एक भी बार स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरवाया गया है और अब हम लोगों का एग्ज़ाम है, तो हमारे ऊपर दबाव ये है कि यदि आप लोग छात्रवृत्ति अपने से जमा नहीं करते हो और जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो जमा नहीं करते हो तो आप लोग को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन सर, हम जितने भी छात्र होंगे हम लोगों को सबका स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन किया गया था और ये लोग है ना हर बार हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। स्टार्टिंग में हमारा बस चार्ज नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में हमसे बस चार्ज भी लिया गया और अब ये लोग बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप भी जमा करो आप लोग और जो डेवलपमेंट चार्ज वगैरह है वो भी जमा करो। क्या नाम लिखते हैं? खुशबू विश्वकर्मा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।